हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। इसके पहले हमारे आपकी बात हो गई थी, नेक्स्ट वीडियो में बात हुई थी मोनोइशियस के बारे में। तो मोनोइशियस उभयलिंगाश्रय के बारे में बात हो चुकी थी, बचा था आपका एक लिंगाश्रय डायोशियस के बारे में बात होनी थी। तो आज हम डायोशियस के बारे में बात कर लेते हैं। तो डायोशियस का मतलब होता है, देखिए डाई का मतलब होता है, तो इशियस का मतलब होता है सहारा देने वाले, यानी कि जब एक हिंदी में इसे कहते हैं एक लिंगाश्रय। एक का मतलब होता है एक लिंग, का मतलब होता है एक ही लिंग को, श्रय का मतलब होता है सहारा देने वाले। तो सीधी सी बातों में सामने निकल कर आ रहे हैं, जब नर जननांग एवं मादा जननांग दोनों अलग अलग पौधे पर पाए जाते हैं तो उन्हें हम एक लिंगाश्रय कहते हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं कि नर जननांग किसी एक पौधे पर तथा मादा जननांग किसी दूसरे पौधे पर पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एक लिंगाश्रय पौधे कहते हैं। या हम यूं कह सकते हैं कि एक ही लिंग को सहारा देने वाले पौधे को हम एक लिंगाश्रय कहते हैं। तो एक लिंगाश्रय, देखिए डायोशियस जो है मार्केंसिया का नाम, जब आप रिक्सिया पढ़ रहे होंगे, टेरिडोफाइटा पढ़ाया जा रहा होगा, ब्राफाइटा टेरिडो, वहाँ तो रिक्सिया मार्केंसिया के बारे में बात हुई होगी। ब्राफाइटा में जो मार्केंसिया होता है, ये डायोशियस होता है, एक लिंगाश्रय होता है। जो मेल पार्ट होता है, मेल फैलस होता है, उसमें जो उसका सेक्स ऑर्गन होता है उसे हम कहते हैं एंथ्रीडियोफोर। क्या कहते हैं, एंथ्रीडियोफोर कहते हैं। जो फीमेल थैलस होता है, मादा प्लांट होता है, उसमें क्या पाया जाता है, आर्चिगोनियोफोर पाया जाता है। जो आर्चिगोनियोफोर होता है उसमें क्या होता है, आर्चिगोनिया पाया जाता है। आर्चिगोनियोफोर को मतलब आर्चिगोनिया को पहने हुए धारण की हुई जो शाखा होती है उसे हम आर्चिगोनियोफोर कहते हैं। और जिस पर आर्चिगोनिया लगी होती है, या यूं कहें कि जिस पर आर्चिगोनिया लगी होती है उसे हम आर्चिगोनियोफोर कहते हैं, और इसी आर्चिगोनियोफोर पर आर्चिगोनिया पाई जाती है। ये हमारी डायोशियस के बारे में बात हो गई। तो कल आपको मोनोइशियस पढ़ाया था, वहाँ मोनोइशियस के बारे में बता दिए थे, तो एक बार फिर से उसको हम रिवाइज कर देते हैं कि जो मोनोइशियस का मतलब होता है उभयलिंगाश्रय, उभयलिंगाश्रय का मतलब होता है कि दोनों लिंगों को सहारा देने वाले एक ही प्लांट पर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों पाए जाते हैं, उसे हम मोनोइशियस कहते हैं। देखिए कारा सवाल है, मैंने वहाँ बताया था कारा क्यूकस वालवाक्स, सवालों के नाम बताए थे, हम कारा की बात कर ले रहे हैं। देखिए ये कारा प्लांट होता है, तो ऊपर की तरफ सदैव आप सदैव कारा में, या आप कोई भी प्लांट लीजिए तो जो कारा होता है उसमें सदैव ऊपर की तरफ यूगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन सदैव ऊपर होता है और मेल सेक्स ऑर्गन नीचे की तरफ पाया जाता है। जो यूगोनियम होती है वो ऊपर की अपर साइड होता है, जो आर्चिगोनिया होता है, सॉरी एंथ्रीडिया होता है, वो नीचे की तरफ होता है। नीट के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है, दे देगा फिगर, उसमें पूछ लेगा एंथ्रीडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर क्या होता है। तो आपको बिल्कुल ध्यान देना होगा, अपर पोर्ट जो अपर पोर्शन होता है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, जो लोअर पोर्शन होता है वो मेल सेक्स ऑर्गन होता है। और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम यूगोनियम कहते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहते हैं, ये मोनोइशियस की। अब आइए थोड़ा हम बात करते हैं एनिमल्स के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में। देखिए सीधी बात एक ही है, चाहे हम प्लांट्स के बारे में पढ़े या एनिमल्स के बारे में पढ़े, डिफिनीशन थियोरी सेम रहेगी, बस एग्जाम्पल्स बदल जाते हैं। जब किसी एक ही जंतु पर, हम किसकी बात कर रहे हैं, तो आइए हम एनिमल्स की बात करते हैं। देखिए एनिमल्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो डायोशियस के बारे में बात करते हैं, वहाँ भी सेम थियरी होती है। जब किसी एक ही जंतु पर क्या मेल ऑर्गन्स और फीमेल ऑर्गन दोनों, मेल सेक्स ऑर्गन्स फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों सेम पेरेंट्स पर पाए जाते हैं तो उसे हम हर्माफ्रोडाइट बायसेक्सुअल मोनोइशियस कहते हैं। हर्माफ्रोडाइट बायसेक्सुअल मोनोइशियस कहते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए टेपवर्म जो फीता क्रीम होता है उसके एक ही जंतु पर फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होता है और मेल सेक्स ऑर्गन भी होता है। इलेवंथ में आपको अर्थवर्म पढ़ाया गया होगा, वहाँ बताया गया होगा कि जो केचुआ होता है उसमें मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही जंतु पर पाए जाते हैं। लीच, लीच में भी क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही पेरेंट सेम पेरेंट पर पाए जाते हैं। वहीं हम अगर डायोशियस की बात करें एनिमल्स में, तो ये क्या होता है कि किसी अलग अलग जंतु पर नर जननांग और मादा जननांग दोनों क्या हो, डिफरेंट पेरेंट पर पाए जाते हैं, अलग अलग जंतुओं पर पाए जाते हों, तो उसे हम कहते हैं डायोशियस, यानी कि यूनिसेक्सुअल या डायोशियस कहते हैं। इसमें काकरोच, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य इत्यादि, यानी कि मैमल्स,
काक्रोच के अलावा मैमल्स के जितने भी हैं सभी इसमें आ जाते हैं। तो ये हमारी डायोसियस के बारे में बात है। आज का जो उस दिन बचा हुआ लेक्चर था डायोसियस का, किसी कारण वो छूट गया था, वो आज हम यहाँ कवर कर दे रहे हैं इस वीडियो में। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के चाहे नोट्स बना करके आप रख लीजिए या आप यूट्यूब इस वीडियो के माध्यम से पढ़ते रहिए, लेकिन आप बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। थैंक यू।